भाई हाइक करने के लिए जब हम लोगों ने डिसाइड किया तो अच्छी बात यहाँ पे ये भी है कि हमें स्टेयर्स मिले बहुत जगह, और स्टेयर्स पे चढ़ते जाओ और हाइक करते जाओ, स्टेयर्स पे चढ़ते जाओ हाइक करते जाओ, सारे एज के लोग यहाँ पे हाइक कर पा रहे हैं। हाइक करते करते हम लोग एक फर्स्ट लेवल पॉइंट पे पहुंच गए जहाँ पे प्लेन्स है, और यहाँ पे जो सिटी का व्यू है वो ज़बरदस्त है। सिटी का व्यू यहाँ से एट एन एवरेज पूरा का पूरा केलाउना सिटी और ओकनागन लेक यहाँ से व्यू कर सकते हो। इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे नॉक्स माउंटेन, और इसीलिए पूरी टीम ने मुझे कन्विंस किया था कि वी हैव टू क्लाइंब, हमें क्लाइंब करना है, हाइक करना है और देखना है नॉक्स माउंटेन। जब देखना है तो देखने के लिए आ गए, जब चढ़ना है तो चढ़ने पर आ गए, चाहे वो जितना ऊँचा हो जितना लंबा हो। मुझे याद आ रहा है आपने अगर एक हमारा एपिसोड है जिसमें पेट्रा देखा है आपने, ब्यूटीफुल पेट्रा, अगर नहीं देखा है तो आप जा करके देखो। जिस तरह का वहाँ पे पेट्रा को देखने के लिए मुझे ऊंचे ऊंचे और हमें पूरी टीम को ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता था और हाइक करना पड़ता था, वो हाइकिंग और यहाँ हाइकिंग में बहुत फ़र्क है। वहाँ पे वेदर बहुत नॉर्मल था और हालत बहुत ख़राब थी, और यू गेट थर्स्टी ईजिली, बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो है ठंड इतनी ज़्यादा है और वेदर एकदम कूल है कि आदमी बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट और फन के साथ बैठा है। तो मुझे लगता है कि तुम भी इन्जॉय कर रहे हो बहुत ज़्यादा। और पेट्रा का अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के वीडियो देखो वो पेट्रा का, तुम्हें रियली खूबसूरती का पता चलेगा कि पेट्रा कितना खूबसूरत है। इसी तरह ग्रीनरी में कनाडा को बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ग्रीनरी में, और आगे चल करके हम लोग और देखते हैं कितना खूबसूरत है नॉक्स माउंटेन, कितना खूबसूरत है केलाउना, और एडवेंचर करते हैं। यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा हाइकिंग हुई, बहुत मज़ा आया, आगे और फन लेते हैं और हाइक करते हैं। माउंटेन पे जब क्लाइंब करते हो हाइक करते हो तो भाई हालत तो ख़राब होती है, और स्टीप स्लोप है यहाँ पे नॉक्स माउंटेन पे, और पूरी टीम मेरी थक चुकी है लेकिन फिर भी हम लोग नॉक्स माउंटेन पे क्लाइंब कर रहे हैं। सब एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं कि हमें ऊपर जाना है, एज पे जाना है। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइकिंग में पार्ट ले रहे हैं। मैंने एक चीज़ देखा है क्लियरली यहाँ पे केलाउना में नॉक्स माउंटेन क्लाइंब करने पे, कि चाहे वो दो साल या जो थ्री साल का टोडलर्स होते हैं वो भी क्लाइंब कर रहे हैं, और तीसरे जितने भी अगर तुम 75-85 ईयर्स एज के लोग हैं वो भी क्लाइंब कर रहे हैं। सब लोग क्लाइंब कर रहे हैं, किसी में कोई भी एज का डिफरेंस नहीं है। सबको इन्जॉयमेंट और फन के साथ या तो स्ट्रेचर लेकर के चढ़ रहे हैं या विदाउट स्ट्रेचर लेकर के चढ़ रहे हैं, लेकिन लोग क्लाइंब कर रहे हैं। आपको बच्चों की आवाज़ें आ रही होंगी, काफ़ी ज़्यादा बच्चे यहाँ पे हाइक कर रहे हैं, तो हम लोग भी चलते हैं, आगे चलते हैं और नॉक्स माउंटेन पे क्लाइंब करते हैं। नॉक्स माउंटेन सेलेक्ट किया क्योंकि केलाउना का सबसे ऊंचा और सबसे ब्यूटीफुल है। ठंड में ये पूरा माउंटेन जो है ना, यहाँ कोई हाइकिंग नहीं होता, यहाँ पे स्कीइंग होता है। फिर माउंटेन पूरा कवर कर जाता है आइस में और यहाँ पे पूरा स्की करते हैं, मतलब वो स्केट करते हैं नीचे तक, टींग उधर से क्लाइंब करते हैं और इधर से स्केट करके नीचे उतर जाते हैं, वो भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, और ये मिलेगा आपको यहाँ पे केलाउना में कनाडा में। देखो भाई हाइकिंग करते करते तो कहीं ना कहीं तो ब्रेक लेना चाहिए, और ब्रेक हम लोगों ने थोड़ा सा लिया, लेकिन अब पहुंच गए हैं एपिक्स पॉइंट में, और यहाँ पहुंचने के बाद रियली मज़ा आ रहा है। अब कंप्लीट करते हैं हम अपना हाइकिंग और एंड करते हैं एपिक्स पॉइंट में। दिस इज द ब्यूटिफुल सनसेट ऑफ केलाउना सिटी। देखो कितना खूबसूरत सनसेट है यहाँ पे, और केलाउना की छोटे 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 पूरे शहर में लाइट्स जो हैं, छोटे छोटे से लाइट्स ऑन हो गए, छोटे छोटे से लाइट्स ऑन हो गए, और ये है सनसेट। कितना ब्यूटीफुल और कितना खूबसूरत, आधा आसमान, पानी और माउंटेंस तीनों अटैच्ड हैं इसमें, रियली बहुत ब्यूटीफुल है। नेचर का अगर इन्जॉयमेंट लेना है, नेचर के साथ कनेक्ट होना है, तो ये एक परफेक्ट बैलेंस जगह मिला हमें, वो है केलाउना सिटी, रियली बहुत इंजॉय। तो थैंक यू फ्रेंड हम लोगों के साथ जुड़ने के साथ, हाइकिंग किए बहुत मज़ा आया, बहुत घूमे, एडवेंचर किए, और पूरे टाइम हमारे साथ जुड़े रहे आप लोग, रियली बहुत बहुत शुक्रिया और मज़ा किया। अब टाइम आ गया है कुछ और एडवेंचर के लिए, बढ़ते हैं आगे और अपना अगला एडवेंचर
कंप्लीट करते हैं अपनी टीम के साथ, युवाओं टीम के साथ। मेरे टीम का मेंबर का भी पार्ट बनो और जुड़े रहो। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट करो, और हमसे पहली बार मिलो तो सब्सक्राइब करो। अब जाने का टाइम आ गया है, बाय बाय नॉक्स माउंटेन, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो और जुड़े रहो हमारे साथ।